दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओवरड्राफ्ट एक बैंकिंग टर्म है जो आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए इस वीडियो में ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एक बैंकिंग फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो। जब आप अपने अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक्टिवेट करते हैं तो आप एक लिमिट तक नेगेटिव बैलेंस में जा सकते हैं, यानी आपको बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करता है। ये लिमिट आपको अकाउंट हिस्ट्री, इनकम और क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर तय किया जाता है। ओवरड्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको कभी अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए और उस समय आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करके पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इससे आप बाउंस चेक चार्जेस और पेनाल्टी से बच सकते हैं। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग टाइप के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी लिमिट दी जाती है, उसके बाद इस लिमिट को खत्म कर दिया जाता है। दूसरा है ऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट, इसमें आप रेगुलर ओवरड्राफ्ट लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं ये फ्री बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके लिए बैंक कुछ ना कुछ चार्जेज और फीस जरूर चार्ज करते हैं। इसलिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करते समय आपको बैंक से इन चार्जेस के बारे में जरूर पूछ लेनी चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में ओवरड्राफ्ट लिमिट है 10,000 रुपये, जो कि आपके अकाउंट हिस्ट्री, इनकम और क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर तय किया गया है। अगर आपके पास 5,000 रुपये बैलेंस है आपके अकाउंट में, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और उस समय आपको 15,000 रुपये की जरूरत है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज करके अपने अकाउंट से 15,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेंटली। इसके लिए ना तो आपको कोई फॉर्म भरना होगा ना ही आपको कोई एप्लीकेशन देना होगा। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वाकई में काफी बढ़िया है जो आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका यूज आपको समझदारी से करना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट एक लोन होता है जिसे आपको बाद में रिपे करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। ऐसे और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।